भागलपुर बिहार राज्य की सिल्क सिटी के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। यह शहर अपनी संस्कार और मेहमान नवाजी के लिए पूरे बिहार राज्य में जाना जाता है। भागलपुर भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किए जाने वाले शहरों में से एक है। भागलपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां रेशम के कीड़ों का पालन होता है। भागलपुर शहर में ही भारत का पांचवा सबसे लंबा पुल मौजूद है। भागलपुर शहर का हथकरघा से बुनी रंगीन रेशम की साड़ियां पूरे विश्व प्रसिद्ध है। गंगा नदी के तट पर बसा ये शहर भागलपुर जिला और भागलपुर डिवीजन का मुख्यालय भी है। लगभग 70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए भागलपुर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 4 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से भागलपुर बिहार राज्य का तीसरा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। भागलपुर जिला लगभग 2570 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां 16 तहसीलें मौजूद हैं। गोराडी, गोपालपुर, इस्माइलपुर, कोलगोम, बीहपुर, खारिक, जगदीशपुर, नाथनगर, नारायणपुर, पीरपैंती, नौकछिया, सबौर, रंगरा चौक, सोनहौला, शाहकुंडी और सुल्तानगंज। धार्मिक दृष्टि के अनुसार भागलपुर शहर में 69.92% हिंदू, 29.05% मुसलमान, 0.29% ईसाई, 0.21% जैन अतः 0.51% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। भागलपुर शहर की साक्षरता दर 80.76% है। इससे ये मालूम पड़ता है कि शहर के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। भागलपुर में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं। भागलपुर शहर की प्रत्येक आबादी 2570 प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करती है। भागलपुर शहर को धार्मिक और सांस्कृतिक शहर भी कहा जाता है। यहाँ का मनसा और छठ एवं काली पूजा पूरे बिहार राज्य में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। भागलपुर के खल गांव में ही बिहार का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र मौजूद है। इसके अलावा भागलपुर बिहार का एकमात्र ऐसा जिला भी है जहां 1366.75 मीट्रिक टन कोयले भंडार मौजूद है। भागलपुर में कई ऐसे बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों ने भागलपुर की खूबसूरती को पूरी तरीके से कैद किया है, जैसे कि रेनकोट, बालाडॉन, परवाह, गैंग्स ऑफ वासेपुर एवं गंगाजल जैसे आदि कई फिल्में भागलपुर में शूट की गई है। भागलपुर शहर में कई तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी, बंगाली, अंगिका और उर्दू भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कई सारे शैक्षिक संस्थान भी मौजूद हैं, जो भागलपुर के छात्र और छात्राओं को एक उच्च स्तर की शिक्षा देते हैं, जिनमें भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, महादेव सिंह लॉ कॉलेज आदि यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि भागलपुर कभी अंग राज्य के रूप में जाना जाता था, जिसकी राजधानी भागलपुर की चंपन नगरी हुआ करती थी। राजधानी का राजा पांडवों के बड़े भाई कर्ण हुआ करते थे। भागलपुर का नाम भागदत्तपुरम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सौभाग्य। भागलपुर जिले का गठन 21 फरवरी 1991 में हुआ था। भागलपुर शहर पहुंचने के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग भागलपुर शहर में कुल 8 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। भागलपुर जंक्शन, मुरारपुर, हटपुरानी, अकबरनगर, थाना बीहपुर, कोयली खुतहा, सबौर एवं नाथनगर रेलवे स्टेशन, जिसमें से भागलपुर रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन बिहार राज्य का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 6 है। पटना जंक्शन और मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद
भागलपुर जंक्शन बिहार राज्य का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। यह रेलवे स्टेशन साहिबगंज भागलपुर दुमका रामपुर हॉट लाइन, भागलपुर बांका देव घर लाइन और भागलपुर हंसडीहा गोड्डा लाइन पर मौजूद है। कवि गुरु एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, सफ एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख रेलगाड़ियां भागलपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। सड़क मार्ग, भागलपुर शहर अपने सड़क मार्ग के जरिए बिहार राज्य ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप भागलपुर शहर तक पहुंच सकते हैं। भागलपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी भागलपुर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना भागलपुर शहर का भ्रमण अधूरा है, जिनमें मनसा देवी मंदिर, ऐतिहासिक रविंद्र भवन, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, महर्षि मेही आश्रम, विक्रमशिला कंडर, मदार हिल पर्वत, अजगैवीनाथ मंदिर, घुरन पीर बाबा, कौलगंज रॉक कट मंदिर, रोमन कैथोलिक सुबा, विक्रमशिला सेतु, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, पीके दास ड्रेफ्यूड म्यूजियम एंड पार्क, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, खान के सहबाजियां, चंपापुर जैन मंदिर, बुद्धनाथ मंदिर, जयप्रकाश उद्यान, भागलपुर संग्रहालय, हनुमान मंदिर एवं बुरहानाथ मंदिर यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।